अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर सुहेल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डुबी लेसिटर 2021 वर्जन। डजंट मैटर, आपके पास अगर कोई ओल्ड वर्जन भी है तो कोई इशू नहीं है, माइनर चेंज होता है, कोई इतना मसला नहीं है, बेसिक्स सबकी सेम है, ठीक है। तो अच्छा, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर जो है, कुछ लोग उसको कंपेयर करते हैं फोटोशॉप से, ठीक है। फोटोशॉप जो है वो आपका पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी इलस्ट्रेटर का कंपटीटर सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो है कॉरल ड्रॉ, ठीक। अच्छा, इस वक्त मार्केट में, इससे पहले एक और सॉफ्टवेयर हुआ करता था, उसका नाम था माइक्रोमीडिया फ्री हैंड। अब माइक्रोमीडिया को ख़रीद लिया था एडोबी ने, तो फ्री हैंड तो कुछ लोग यूज़ करते हैं मार्केट में, इलस्ट्रेटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और फोटोशॉप ज़्यादातर एक ही कंपनी है, तो फोटोशॉप और इसका बहुत अच्छा कम्बिनेशन रहता है, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप का। फोटोशॉप पिक्सल बेस है, फिर बता रहा हूँ, और इलस्ट्रेटर वैक्टर बेस है। वैक्टर बेस में आपको जितने भी बेसिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो भी काम होता है वो इलस्ट्रेटर में होगा, और जो पिक्सल बेस काम होगा इमेजेस के ऊपर वो फोटोशॉप में होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ देखें प्रीसेट्स दिए हुए हैं आपके पास, जो आप जस्ट क्लिक करें और ये आपके पास पेज खुल जाएगा। A4 साइज़ का पोस्ट कार्ड, वेब, ठीक है, वेब हो गया, आईफोन एक्स, अगर ऐप आप यूज बना रहे हैं कोई मोबाइल ऐप, ठीक है, अगर HDV हाई डेफिनेशन वीडियो, कोई वीडियो का टाइटल वगैरह करें तो वो आप ले सकते हैं। अच्छा, कस्टम साइज़ में अपनी मर्ज़ी का साइज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक फास्ट आप पेज सिलेक्शन हो जाएगी आपकी, अदरवाइज ओपन, कोई फाइल आपने ओपन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या क्रिएट में न्यू फाइल क्रिएट को हिट करें, और या कंट्रोल एन भी कर दें तो वो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपके पास इस तरह का। अच्छा, रिसेंट में आपने जो भी प्रीवियस काम किया होगा, जो फाइल लिए होंगे आपने, पेजेस साइज़ लिए होंगे, वो यहाँ साइज़ आ रहे हैं। अच्छा, सेव में आप कोई भी साइज़ अपना बना के कस्टम साइज को सेव कर सकते हैं, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल को कोई ऐप बना रहे हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपना साइज़, वेब पेज बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से साइज चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्रिंट में आ जाएं, जो भी प्रिंट के पेपर साइजेज हैं, लेटर साइज है, A4 साइज है, पाकिस्तान में जो हमारा यूज़ होता है वो A4 साइज़ और A3 यूजली यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। लीगल साइज, लेटर साइज अमेरिका में यूज़ होता है भाई, बाकी आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी ले सकते हैं कस्टम साइज़ यहाँ से। फिल्म एंड वीडियो में आप कोई भी टाइटल बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल HD आप कर रहे हैं तो 720 साइज़ आ रहा है, ठीक है, और आप 2K ले रहे हैं या 4K ले रहे हैं या 8K ले रहे हैं, ठीक है, 2K ले रहे हैं, 4K, 8K, तो यहाँ से आप साइज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कैमरे में, आजकल मोबाइल में भी ऑप्शन आ रहा है 4K का, अगर आप 4K बना रहे हैं, देखें इसका साइज़ ये आ रहा है 3840 पिक्सल्स, ठीक है। देखें स्क्रीन पर कोई भी काम होता है वो पिक्सल्स में होता है, याद रखिएगा, ठीक है, चाहे वो आप वेब कर रहे हैं चाहे मोबाइल कर रहे हैं, जो जो भी साइज़ होगा ना वो यहाँ पिक्सल्स में आएगा। देखें, अगर मोबाइल पे आ जाऊँ तो ये पिक्सल में साइज़ आ रहा है, वेब पे आ जाऊँ तो पिक्सल में काउंट करते हैं साइज़, और प्रिंट में आ जाऊँगा तो ये आप सेंटीमीटर मिलीमीटर नीचे में ले सकते हैं, ठीक है। फिल्म एंड वीडियो में इसी तरह आप जो साइज़ लेंगे ये सब पिक्सल्स में आ रहे हैं, ठीक है। 8K में देखें, यहाँ पर जो फिल्म की जो आपका साइज़ है वो ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल जो हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे होते हैं वो HD होता है, और इससे भी अगर हमें कम करना है तो 720 साइज़ होता है, 720x576, ठीक है। अच्छा, खैर, फिल्म एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में अगर आपने कुछ करना है तो ये कुछ साइजेस आ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप हम आ जाते हैं प्रिंट में और A4 ले लेते हैं, या A4 से आपको चेंज करना है, जैसे हमें यहाँ ये रूलर आ रहा है, मैं इंचेस में आ जाऊँ और ये मुझे आप चेंज करना है, 4x6 करना है, 4x6 इंच का पेज चाहिए, तो ये आप कस्टम साइज़ हो गया आपका, ठीक है। तो ये कस्टम साइज़ को आप इसको सेव भी कर सकते हैं और इसको आप क्रिएट कर लें तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं और भी चीज़ें बता दूं आपको, लेने से पहले मैं A4 ही ले रहा हूँ, ठीक है, A4 मैं ले लिया, और इसका जो यूनिट है वो मैं इंचेस में कर रहा हूँ, ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं यूनिट, ठीक है। अच्छा, ये विड्थ और ये हाइट हो गई, और उसके बाद आप पोर्ट्रेट में लेना है, लैंडस्केप लेना है, पेज नंबर ऑफ पेजेस यहाँ से ले सकते हैं आप, आर्टबोर्ड मतलब पेजेस नंबर ऑफ पेजेस आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लीड का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने ब्लीड करवाना है, कोई एच टू एच इमेज है आपको वो प्रिंट के लिए जाना है तो उसको हम ब्लीड करवा देते हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं, तो उसका वो साइज़ यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो वो रेड कलर का साइन दे देगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ कर दूँ 1/2 इंच, ठीक है, तो ये 1/2 इंच का ब्लीड कर देगा, रेड साइन दे देगा, रेड कलर की लाइन दे देगा, हम देखते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद एडवांस में आ जाएं, ये कलर बोर्ड आ रहा है CMYK, सयान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। अगर आप कोई प्रिंटिंग के लिए काम करें, कमर्शियल प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए, तो आप CMYK रखेंगे,
अदरवाइज आप स्क्रीन के लिए काम करें तो RGB रखेंगे। स्क्रीन का मतलब फिल्म, वेब, मोबाइल, या प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने होम प्रिंटर पे कोई काम कर रहे हैं तो आप RGB रखें, कलर थोड़े शार्प आएंगे। और रेजोल्यूशन प्रिंटिंग के लिए 300 PPI पिक्सल्स पर इंच, या DPI होगा कहीं तो DPI होगा तो डॉट पर इंच, ठीक है। अच्छा, ये हम स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो आप स्क्रीन कर लें 72 PPI, ठीक है। तो यहाँ तो इतना मसला नहीं है, इलस्ट्रेटर में आप कुछ भी साइज वो रख लें, मगर अगर प्रिंटिंग के लिए करें तो सब तो ज़रूरी 300 रखें। इसी तरह फोटोशॉप में भी ज़रूरी है 300 रख रहे होते हैं, मगर यहाँ अगर आपने कम भी रखा है तो बाद में बढ़ा सकते हैं आप इमेजेस वगैरह इंपोर्ट करने से पहले, ठीक है। अच्छा, बाकी प्रीव्यू मोड डिफ़ॉल्ट रखें, ठीक है, और इसको क्रिएट कर देते हैं। तो ये न्यू पेज आपके पास खुल गया। देखें, ये ब्लीड के लिए ये हमने किया था ना, ये 1/2 इंच का ही आ रहा है।